सागर में अस्थायी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमएचओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, नारेबाजी करते हुए नियमितीकरण की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान शहर के मुख्य सड़क पर यातायात व्यवस्था एक घंटे तक पूरी तरह से प्रभावित हो गई। अधिकारियों के समझाइश के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया और ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। आपको बता दें कि प्रदेश सहित जिले में कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने 3 महीने के लिए अस्थायी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ली थी। कोरोना संक्रमण में अस्थायी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी थी। अब समय अवधि पूरी होने के बाद सरकार ने अस्थायी भर्ती किए गए ANM फार्मासिस्ट को बाहर कर दिया है। इसको लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। यहाँ से ये क्या मामला है पूरा बताइए। मेरा नाम निशिकांत गुप्ता है। मैं COVID-19 स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ। मैं फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हूँ सागर में। अभी क्या हुआ था, COVID-19 जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद हम लोगों को अस्थायी रूप से 3 महीने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं दी गई थी, जिसके बाद समय समय पर सरकार की जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से उसको एक्सटेंड करते गए, हम लोग की सेवाएं लेते गए। आज जब 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद हमें सारे मध्य प्रदेश के सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे कि हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन हम लोग ने अभी भी ज्ञापन सबको दिया, भोपाल भी गए थे, लेकिन वहाँ पर हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए आज हम लोग ने ये अपने कर्मचारियों के साथ ये ठोस कदम उठाया है कि हम लोग यहाँ पर आज रोड जाम करिए। हम लोग अपनी मांगें पूरी करवाना चाहते हैं। हम लोग को बेरोजगार हो जाएंगे, किसी के पास कोई साधन नहीं है रोजगार का। यहाँ पर हमारे स्वास्थ्यकर्मी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ANM ये और हमारे लैब टेक्नीशियन ये सभी अपनी जान पर जान दांव पर लगाकर 8 महीने तक सेवाएं देते रहे, लेकिन सबको बाहर कर दिया गया। जब हम यही चाहते हैं कि सभी की सेवाएं कंटिन्यू करी जाएं और सभी को स्थायी संविदा या नियमित करा जाए। आपने जो यहाँ पे बैठे हो, आपने कानून का उल्लंघन तो किया बिना परमिशन के, पहले क्यों चक्का जाम किया आपने? ठीक, कानून का अभी तक हम लोग पालन करते आ रहे थे, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं सुना गया, किसी की बात नहीं सुनी गई, तब जाके हम लोग ने ये ठोस कदम उठाया है। हाँ सर, ये काय की भीड़ थी यहाँ CMO कार्यालय? ये मुख्य रूप से नर्सिंग स्टाफ जो है COVID-19 स्वास्थ्य संगठन मध्य प्रदेश, उनकी जो है मांगे हैं कि इनको हटाया ना जाए और इनको संविलियन किया जाए, तो संबंध में इनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है। तो अपनी मांगों को उच्च स्तर पर पहुँचाने के लिए आज ज्ञापन भी दिया गया है, जिसको हम कलेक्टर साहब के माध्यम से और जहाँ भी आप लोग चाहेंगे शासन स्तर पर। क्या मांगे हैं इनकी? इनकी मुख्य रूप से जो है नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की जो मांगे हैं कि इनका अनुबंध खत्म कर सदैव के लिए संविदा में सम्मिलित कर दिया जाए, है ना? ये इनकी मांग। जैसे कि इनने हम ये प्रोग्राम किया है, धरना प्रदर्शन किया गया, इन पर मामला दर्ज होगा क्या? इनका हम देखते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते हैं, इनकी मांगे हैं, इनको तत्काल जैसे हम यहाँ पर आए हैं, ये लोग उन्होंने जानकारी नहीं दी है, जैसे हम यहाँ पर आए हैं इन्होंने अपना ज्ञापन देकर और तत्काल ही इन्होंने सारी चीज़ को ख़त्म कर दिया। और साथ ही कोविड के अंतर्गत जो नियम कानून है कि धरने की प्रॉपर अनुमति लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ये अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे या शांतिपूर्वक धरना कर देंगे, इसके लिए निराकरण कब तक हो रहा है? कलेक्टर साहब से भी हम बात करके और इनका अगर कोई डेलीगेशन है ये उनका डेलीगेशन बना है और उससे हम उनकी मीटिंग करवाएंगे, है ना? इनकी जो मांग है कलेक्टर साहब को बताकर शासन स्तर पर भेजेंगे। हम लोग की जब नियुक्ति हुई थी वो 3 महीने की नियुक्ति थी, 3 महीने का अनुबंध लगा था, 3 महीने के बाद इन्होंने हमें 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया, 6 मंथ हो गए, इन्हें 1 मंथ का और एक्सटेंशन दिया, 7 मंथ हो गए, फिर इन्हें 1 मंथ का और एक्सटेंशन दिया तो 8 मंथ हो गए। तो जब 8 मंथ हो गए हैं एक्सटेंशन के लिए, हम लोग को 3 महीने में निकाल लेना था, 3 महीने का था, इनने हमको 4 महीने यूज कर लिया, पर उसके बाद इनने अभी जो एक्सटेंशन निकाला वो 1 मंथ का निकाला, उसमें भी छटनी कर दी और हमारे ANM और फार्मासिस्टों को बाहर कर दिया। तो ये हमारे जो भाई बहन उनके साथ कोई न्याय नहीं है, ये अन्याय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ने स्वास्थ्य मंत्री से बात की, CM हम लोग की बात सुनने तैयार नहीं है, हम लोग भोपाल तक गए, कलेक्टर के पास गए, CMHO के पास गए, सबके पास गए, सब लोग बोलते हैं फालतू का काम बंद कर दो। हम लोग ने शासन से परमिशन ली, प्रशासन से बात की, कोई सुनने तैयार नहीं है। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे दूसरों के भरोसे पे छोड़ के आते हैं घर पे, हम लोग के साथ ना इंसाफी हो रही, हम लोग को इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम लोग ने कर्म किए हैं। जब परमानेंट स्टाफ घर पे बैठा हुआ था, जब हम लोग पढ़ के करने आते थे, ठीक, हम लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, 50% आज हम लोग का शरीर नष्ट हो चुका है, उसके बाद हम लोग को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी जिस दिन मैंने ड्यूटी की है,
जब भी मैंने कुछ नहीं बोला कि चलो भैया जो चला गया वो चला गया, जिसकी जान बचा सकते तो बचा ले, वो दूसरों की जान बचाने के चक्कर हमने कभी फैमिली में क्या चाहती हूँ। हम लोग यही चाहते हैं हम लोग को परमानेंट किया जाए या संविदा बेंच पर रखा जाए, कोई छटनी नहीं कोई एक्सटेंशन नहीं, क्योंकि हम लोग अपना 100% दे चुके सरकार को, अब हमें 100% चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।